सूबे के खेल मंत्री अनिल विज ने कैंट के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 15वीं तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अम्बाला छावनी वॉर हीरोज स्टेडियम में स्विमिंग पूल दोबारा शुरू हुए कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन यहां 200 से ज्यादा तैराक तैयार हो चुके हैं जो जल्द ही प्रदेश व उसके बाद देश के लिए खेलेंगे। तैराकों का हौसला बढ़े इसको लेकर पिछले लंबे समय से जिला तैराकी संघ द्वारा कोशिशें भी की जा रही हैं, इसलिए हर साल जिला स्तरीय स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस बार 15वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 200 तैराकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री अनिल विज ने किया और तैराकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान विज ने कहा कि इस पूल को ऑल वेदर बनाने के लिए एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि जब तक खिलाड़ी सारा साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे में अगर इस स्विमिंग पूल को ऑल वेदर बनवा दिया गया तो वाजिब सी बात है कि अम्बाला के तैराक देश विदेश में अम्बाला का नाम जरूर चमकाएंगे। खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस पूल को ऑल वेदर पूल के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां खिलाड़ी हर मौसम में प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकेंगे। स्विमिंग में यहाँ पर बहुत जोश है और जिले की ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है, सुबह शाम यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी जल्दी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खिलाड़ी नहीं इसको ऑल वेदर हम बनाने के लिए एग्जामिन करवा रहे हैं। अगर ये ऑल वेदर के लिए ठीक रिपोर्ट आ गई कोशिश करेंगे ऑल वेदर बने, क्योंकि बच्चे जब तक सारा साल प्रैक्टिस ना करें तब तक पारंगत नहीं हो सकता।